हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स, एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लीगल करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज़। इससे पहले भी हम काफ़ी सारे लीगल करंट अफेयर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देर इज़ अ प्ले लिस्ट दैट एग्जिस्ट ऑन दिस चैनल कॉल्ड लीगल करंट अफेयर्स इन जीके। आप वहाँ से जाके जो भी आपका मिस आउट हुआ है आप पर मंथ पढ़ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हु वॉर्न द MPs अगेंस्ट यूज ऑफ मोबाइल फोन्स फॉर रिकॉर्डिंग हाउस प्रोसीडिंग्स। सो MPs को बोला गया था कि आप हाउस प्रोसीडिंग्स जो है वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते थ्रू मोबाइल फोन्स। अब ये ऑप्शन इसके लिए जो दिए हुए हैं वो ये हैं, एंड हम इसको लॉजिक से एंड विद द बेसिक नॉलेज वी कैन अंडरस्टैंड दिस कि जो हाउस ऑफ जो प्रोसीडिंग्स के सेशन होते हैं वो प्रिसाइड कौन करता है? स्पीकर। तो अगर कोई डायरेक्शन आएगी तो वो आएगी स्पीकर से। देयरफॉर ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, स्पीकर ऑफ द लोकसभा सेट कि आप ये नहीं यूज कर सकते हो बिकॉज इट अमाउंट्स टू ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रेजेंटेड द बजट इन 2021 यूनियन बजट इन द पार्लियामेंट। सो वी नो कि बजट कौन प्रेजेंट करता है? बजट प्रेजेंट करता है फाइनेंस मिनिस्टर। देयरफॉर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर एट प्रेजेंट? मिसेज निर्मला सीतारमन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन जनवरी 2021 प्रेसिडेंट रूल जो है वो अप्रूव हुआ था। अब ये कहाँ पे लगा था प्रेसिडेंट रूल? ये लगा था इन द यूटी ऑफ पुडुचेरी जब CM ने रिजाइन कर दिया था। हु वॉज द CM हु रिजाइंड, हु कुड नॉट प्रूव हिज मेजोरिटी एंड देयरफॉर प्रेसिडेंट रूल लगा था? मेंशन हिज नेम इन द कमेंट बॉक्स बिलो। देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन 4, व्हेन आई से मेंशन द नेम इन द कमेंट बॉक्स बिलो दिस इज एट द सेम टाइम टू चेक वेदर यू आर स्टडिंग नॉर्मल करंट अफेयर्स। अभी ये जो हम लीगल करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं, आप नॉर्मल करंट अफेयर्स भी साथ साथ अच्छे से पढ़ रहे हैं जस्ट इन केस यू आर लुकिंग आउट फॉर मटीरियल टू स्टडी फ्रॉम, एंड क्योंकि एग्जाम्स आर नियर बाय ओनली एंड यू वॉन्ट टू गेट टू स्टडिंग करंट अफेयर्स ईजिली एंड इन अ फास्ट मैनर, देन यू कैन चेक आर वेबसाइट www.lawdigest.in जहाँ पर हमारा करंट अफेयर्स मॉड्यूल दिया है। तो वॉट वी हैव डन देयर इज दैट वट एवर इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर दे दोज थिंग्स हैव बीन गिवन इन बोल्ड। सो अगर टाइम कम है तो आप सिर्फ जो चीज़ें बोल्ड में दी हुई हैं वो याद कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द अमेंडमेंट ऑफ जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट जो है वो इम्पावर करता है किसको? अभी जो अमेंडमेंट आई है इस एक्ट के लिए वो क्या इम्पावर करता है? वो इम्पावर करता है DM को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, DM को इम्पावर करता है टू इशू अडॉप्शन ऑर्डर्स। देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन 5, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल के थ्रू जो बोला गया है कि JNK के एग्जिस्टिंग ऑफिसर जो हैं उनको किस के साथ मर्ज कर दिया जाए, किस कैडर के साथ मर्ज कर दिया जाए? सो द करेक्ट आंसर टू दिस वन इज ऑप्शन ए दैट इज़ अरुणाचल प्रदेश गोवा मिजोरम यूनियन टेरिटरी AGMUT कैडर के साथ मर्ज कर दिया जाए। देन मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 6, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है सुओ मोटो डिसमेंटलिंग ऑफ विच ऑफ इंडियाज डी कमीशनड एयरक्राफ्ट कैरियर। सो द करेक्ट आंसर टू दिस वन इज ऑप्शन ए दैट इज़ INS विराट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करा था कि इसको डिसमेंटल कर दिया जाए, बट देन देर वॉज अ कंपनी दैट केम अप एंड इट मेड अ प्रपोजल कि दैट वी वॉन्ट टू कन्वर्ट दिस इन टू अ मैरिटाइम म्यूजियम, एंड तो दिस ऑर्डर वॉज स्टेड। Then next is SC rejected a plea urging to re-examine the constitutional validity of which offence? तो प्ली फाइल करी गई थी टू एग्जामिन द ऑफेंस ऑफ सेडिशन अगेन, बिकॉज काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हुए हैं एंड सेडिशन में काफ़ी सारे लोग बुक हुए हैं, तो एक प्ली फाइल करी गई है कि सेडिशन का जो ऑफेंस है सेक्शन 124A में उसको रीलुक किया जाए। Then next question is, who has been appointed as the Chief Justice of Manipur High Court? The correct answer to this one is option A, that is Justice Poliguru Venkat Sanjay Kumar जो हैं वो appoint हुए हैं as the Chief Justice of Manipur High Court. What else you can study about this is, आप जाइए and देखिए कि इससे पहले ये कहाँ पे जज थे या कहीं पे और चीफ जस्टिस थे। So this is how you should ideally be covering your current affairs.
देन नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट. तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज विजय सांपला. एंड जस्टिस अरुण मिश्रा जो हैं वो अपॉइंट हुए हैं एज द चेयरमैन ऑफ द NHRC रिसेंटली. देन कमिंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल जो हैं वो अपॉइंट हुए हैं. वो अभी कौन है? वो है नगोजी ओकुंजो इवियाला. शी इज़ फ्रॉम विच कंट्री? यू कैन मैंशन द सेम इन द कॉमेंट बॉक्स. ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. एंटोनियो गुतरेस जो हैं वो हैं सेक्रेटरी जनरल ऑफ द UN. So option C here is the correct answer. With this we come to the end of this video. If you're looking for legal current affairs and if you are looking for notes and PDFs for that, you can check our website www.lawdigest.in. Everything is covered therein properly. All your landmark judgments, bills, amendments, important appointments, everything is covered therein. In case you have any doubt or query, you can mention the same in the comment box. Subscribe to this channel for more such videos, and also don't forget to follow us on Instagram where we keep posting legal snippets, legal updates on a daily basis.